वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूट्यूब का बादशाह। वैसे इस बंदे को यूट्यूब का बादशाह कहना गलत नहीं है, और हाँ जो भी मतलब लोग यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं उनको पता चल गया होगा मैं किस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फनी है, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और भाई को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और देखते हैं हमारा इसमें रिएक्शन क्या आता है। मैंने बनाया है दुनिया का सबसे जानलेवा ऑब्स्टिकल कोर्स, और मेरा दोस्त मैक यहाँ इसे पूरा करने की कोशिश करेगा, वो भी 200 फीट नीचे गिरे बिना। जब भी तुम तैयार हो मैक, देखते हैं मैक ये 6 टास्क पूरे कर पाएगा या नहीं। ओह ये सच में बहुत ऊंचाई पर है, देखो वो प्लेटफॉर्म कितना है। अभी हम देखो, और ये बस उन कई जानलेवा दर्दनाक और पूरी तरह से पागल कर देने वाले ऑब्स्टिकल कोर्सेज में से पहला है जिनका मैं इस वीडियो में सामना करने वाला है। और अगर मैक आने वाले सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज पूरा करता है तो वो जीतेगा पूरे $8,00,000। वो भयानक लग रहा है, वो जो कर रहा है वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, वो मुझे छू। 6 टास्क पूरे करने हैं और इसका जो विनर प्राइज है वो है $8,00,000। मतलब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला टास्क चल रहा है भाई, मुझे उसे सबसे मुश्किल बनाना ही पड़ा। वहाँ 2 हैमर्स झूल रहे हैं और दूरी भी सबसे ज्यादा कर सकते हो। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। $8,00,000। क्या लगता है आपको, ये जैम मार पाएगा या नहीं? डर लग रहा है जबकि मैं स्टेबल प्लेटफॉर्म पर हूँ। जैम, ओ वाओ यार। यस यस हां, अभी से सेलिब्रेट मत करो। ये उन 6 ऑब्स्टिकल्स में से सबसे आसान कोर्स था। चलो अगले वाले पर चलते हैं। वो इससे मुश्किल नहीं हो सकता। एक्चुअली हाँ हो सकता है। मैं तो उन सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज को पूरा करना होगा अगर वो उन $8,00,000 को घर ले जाना चाहता है। मैं क्या तुम तैयार हो? मुझे नहीं पता, और जवाब है नहीं, क्योंकि अभी हम सैकड़ों फीट हवा में नहीं है। अच्छा दूसरा टास्क शुरू हो गया, देखते हैं इसमें क्या होता है। ये क्या किस टाइप का टास्क है, देखेंगे कितना मुश्किल है ये टास्क। अब आंखों से पट्टी हटा दो। No! तुम्हारे सामने है वो 2 गेम्स जो हम बचपन में खेला करते थे, बैलेंस बीम और मंकी बार्स। तुम्हें बस दोनों में से एक को चुनकर यहाँ तक पहुँचना है। और हाँ, अपना हार्नेस उतार दो। नहीं 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 नहीं, अगर किसी भी वजह से वो इस ऑब्स्टिकल कोर्स में फेल होता है तो वो 100 फीट नीचे जाकर एक नेट पर गिरेगा, ठीक पहले कोर्स की तरह, और उसके 8,00,000 भी जल जाएंगे। जिमी मुझे इतना मत डराओ, ये बस दूसरा ही ऑब्स्टिकल कोर्स है। तुम्हें क्या लगता है पूरे $8,00,000 जीतना आसान होना चाहिए? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा तो मुश्किल होना चाहिए। ठीक है, तो लगता है वो मंकी बार्स को चुनेगा। उसे नीचे आते देखकर बहुत डर लग रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। दूसरा लेवल तो इसको बहुत, मैं सोच रहा हूँ कि छठा लेवल कितना स्ट्रांग होगा और कितना मुश्किल होगा वो। यार ये 8,00,000 सुनकर ना इंसान जितना मर्जी मुश्किल में हो ना, बंदा पड़ जाता है फिर भी। उसको पता है यार $8,00,000 मिलेंगे तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी हमारी। नीचे मत देखना, अब वो वापस नहीं जा सकता। Oh my God! अच्छा ये दूसरा टास्क चल रहा है। ओह मत गिरना, प्लीज मत गिरना, प्लीज मत गिरना। कर सकते हो। ब्रो ये तो पागलपन है। हे पता है ये मुश्किल है। यार बहुत मुश्किल है, क्या पता ये कर पाएगा कि नहीं। ओह ये वाला बहुत मुश्किल है। तुम जितना आगे जाओगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लालच भरी बता भाई। ओह माय गॉड, मैक तुम ऑलमोस्ट आधे तक आ ही गए हो। तुम्हारी पिछली सभी हार के बारे में सोचो, खुद के साथ वैसा मत करो। मैक अगर तुम गिरते। अच्छा मैक इसमें पहले 2 बार हार चुका है, ये तीसरी बार लास्ट चांस है इसका। ठीक है बस कुछ ही बचे हैं। मुझे लग रहा है इसे कर दिया यार, बस लास्ट है, लास्ट है भाई, कर सकते हो आप। मैक डू इट। वो यहां तक आ गया। ओह ये कमाल का शॉट है, प्लीज गिरना मत, तुम बहुत करीब हो। मैक ने दूसरा टास्क पूरा कर लिया भाई, अब तीसरा टास्क है वो इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देखते हैं इससे मुश्किल कितना, मतलब कितना ही मुश्किल टास्क जो है होगा वो तीसरा होगा, चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना मुश्किल टास्क है तीसरा। क्या लगता है आपको कि अगर आप मैक की जगह आप होते तो क्या आप कर पाते ये टास्क पूरा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। स्वागत है लेवल 3 में। अब ये क्या है जिमी, तुम्हारा अब तक का सबसे डरावना सपना, देखो। वाह यार ये इंटरेस्टिंग लेवल है क्या सबसे? तुम्हारी ताकत को परखा गया जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, पर ये लेवल तुम्हारे दिमाग को परखा। ये क्या है भाई? अब इस लाल बटन को दबा के रखो। ओके ओह माय गॉड यार मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आपको मैक ये टास्क पूरा कर पाएगा या नहीं? आगे जाने के लिए तुम्हें इस फ्लोर की सिर्फ ग्रीन टाइल्स पर से ही जाना होगा। अब इस बटन को छोड़ दो,
तुम्हें ये पैटर्न पूरी तरह से याद करके ही आगे जाना होगा और तुम्हारे पास ठीक 30 मिनट है जिसमें तुम्हें ये 40 टाइल्स के रास्ते को याद करना होगा और अगर तुम गलती से भी किसी रेड स्क्वायर पर कदम रखते हो तो तुम्हारे पैसे धमाके से उड़ा दिए जाएंगे। ये लो एक राइट शील्ड। ओह माय गॉड, ये तुम्हें उस बॉम्ब से बचाएगी। टाइमर को शुरू करो, अब तुम जाओ। भाई शुरू कर लिया भाई, मैं कर ले भाई, 8 लाख डॉलर का मसला है यार। और ये चला, ये बारिश इसे बहुत ड्रामेटिक बना रही है। ओके, उसका पहला स्टेप। ओ भाई अब क्या लगता है, मैं क्या टास्क पूरा कर पाएगा या नहीं? उससे मेरी कोई मदद नहीं होगी, मैंने राइट शील्ड नहीं उठाई थी। मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन 8 लाख डॉलर का मसला यहाँ पे कर लेगा, लेकिन मुश्किल बहुत है। यहाँ सारा माइंड गेम चल रहा है। अगर तुम अपने अगले कदम के बारे में श्योर नहीं हो तो पैसों को मत उड़ाओ। ऑलमोस्ट 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, मुझे जरूरत नहीं है। और तुम अब तक शुरू में बंद करो। मैं अब तक तुमने 1 मिनट में बस एक यार मुश्किल तो है ही है, बहुत ज्यादा कसम से। और 20 से ज्यादा टाइल्स बची हैं। ओके ओके ठीक है चलो। ओके तुम कितने कॉन्फिडेंट नहीं कि उससे धमाका नहीं होगा? मैं जरा भी नहीं हूं। ओके और तुम फिर भी आगे जाओगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप मैं की जगह पर होते क्या आप ये टास्क पूरा कर पाते, क्या लगता है? देना चाहिए या नहीं? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये 8 लाख जीतने का आखिरी मौका है। अगर तुम फिर से हार जाते हो तो हम तुम्हें वापस नहीं लाएंगे। अब आगे जाना होगा या फिर क्या करूं? तुम किसे पूछ रहे हो? मैं यार कुछ मदद तुम तो चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं मेरे पैसे जीतने के लिए? मैं खतरा नहीं उठाना चाहता। इस पॉइंट पर मैक उस कोर्स में इतनी दूर तक पहुंच चुका था कि हर बार फिर से रास्ता देखने के लिए उसके करीब 6 मिनट वेस्ट हो रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वो पैटर्न का आखिरी छोर भूल ही जाता था। 7 लाख डॉलर और 8 लाख डॉलर पहले हार चुका है मैक। अच्छा यही है, ठीक है मुझे यहाँ से पता नहीं है, यहाँ तक नहीं आया था। अभी 9 मिनट बाकी है, चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। मुझे लगा कि अब तो वो गया। यहाँ से मैं सिर्फ आगे की ओर ही जा सकता हूँ, ठीक है मुझे लगता है कि मैं मैक बोलो। याद है तुम्हें कैसा लगा था जब तुम हारे थे 7 लाख डॉलर्स और 8 लाख डॉलर्स? मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए तुम्हारे भले के लिए तुम्हें एक बार फिर से बटन दबा के देखना चाहिए, पर वो तुम पर है। भाई लास्ट चांस है मैक का, देखते हैं मैक ये पूरा कर पाएगा कि नहीं। अभी 3 टास्क इसके हो रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। मुश्किल तो बहुत सारा, लेकिन अपना बचा हुआ कर लेगा, लेकिन टाइम बहुत कम बचा हुआ है यहाँ पे। रिपीट करने में बिता दिया, ये उम्मीद करते हुए कि आखिरी बार स्टार्ट पर जाने का उसका फैसला गलत नहीं था। पर जब मैक आखिरकार अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए कॉन्फिडेंट हुआ, यही रास्ता ठीक है, तब उसे एक बहुत ही टाइट डेडलाइन को फेस करना पड़ा। 4 मिनट से भी कम वक्त बचा है। ओह माय गॉड, मैक शायद वक्त आ गया है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस तुम जाओ। गुड लक। तुम और वो टाइल्स। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, ये बहुत ही इंटेंस है। इसे करने के लिए उसके पास 30 मिनट थे, अब 3 मिनट से भी कम बचे हैं। एक गलत कदम और वो फिर से 8 लाख डॉलर्स हार जाएगा। 4-4 again 4-4 यहाँ से 1-2-3 okay. वो पिछली बार यहीं पर फंस गया था। Oh my God, dude, वो आखिर तक पहुंच रहा है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। 20 सेकंड, 19 सेकंड बचे हैं। अब धमाका होने के चांसेस पूरा करने हैं। ठीक है। Oh my God, मैच बस 10 सेकंड, 9 सेकंड, 7, 5, 3, 2, तो जंप। क्या लगता है ये टास्क पूरा हुआ या नहीं? वो सच बताना यार कमेंट में। तुमने कर दिखाया। तो बंदे ने यार 1 सेकंड में कर दिया यार, क्या बात। अभी 1 सेकंड बचा हुआ था, देख लो भाई 3 टास्क पूरे हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट चौथा टास्क कितना ही खतरनाक आएगा। मुझे लग रहा है बहुत खतरनाक होगा चौथा टास्क कसम से, क्योंकि यहाँ पे 8 लाख डॉलर कर रखे हुए हैं और चौथा टास्क बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टफ होने वाला है। अब चलो, अब ये अगला लेवल आसान लग रहा होगा, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हें बर्बाद कर सकता है। ये वाओ है लेवल 4 और भले ही ये यार ये मुश्किल लग रहा है, ये नहीं कर पाएगा, ये गिर जाएगा यहाँ से। अरे बाप रे, इन्हें एक बार में पूरा करना करीब करीब नामुमकिन सी बात है और इसीलिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। बताओ मुझे, तुम इस नामुमकिन से लगने वाले ऑब्स्टिकल कोर्स पर कोशिश कर सकते हो और अगर पानी में गिरते हो तो सब गवा दोगे, या फिर तुम पकड़ सकते हो मेरा फीस्टेबल्स चॉकलेट बार
और जब तक इसे गिराते नहीं तुम जितने चाहो अटेम्प्ट्स कर सकते हो। ये चाहे अच्छी है यार। फेस्टिवल्स अच्छा प्लान लग रहा है। बस पानी में गिरने के बाद इस बार को छोड़ मत देना। इसमें गलत क्या होगा? पहला बार गिर गया यार। ये तो किसने? ये लिटरली पहले दो स्टेप्स में ही हार जाता। तो अच्छा है कि इसने दुनिया के सबसे दूसरी बार, ये तीसरी बार, चौथी बार। यार अगर आप होते इसकी जगह पे आप क्या ये मतलब कर पाते आप? मैं रहना नहीं चाहता। और देखो इसने लॉग रोल को पार भी कर दिया। मुझे अभी याद आया, तुम्हें ये हेलमेट भी पहनना होगा। भले ही फेस्टिवल्स बेस्ट चॉकलेट है ये जानने के लिए हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा प्रोडक्ट पकड़े हुए कैमरा के सामने मर जाओ। चाहे कुछ आए, बस उस फेस्टिवल्स चॉकलेट बार को नीचे मत गिरा। यार बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा है कसम से। चौथा टास्क बहुत ही मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ कि पांचवा टास्क इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। देखेंगे पांचवा टास्क ये पूरा कर पाएगा कि नहीं, और अपने साथ ही $8,00,000 साथ में लेके जाएगा अपने घर के या नहीं। मुमकिन नहीं लग रहा ब्रो, वो गैप बहुत ही बड़ा है। ये हो क्या रहा है? मैं इसके ऊपर जाना था। ओ समझ गया। हाँ होशियार हो। यार मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं भी ये कर पाएगा। आपको दिक्कत हो रही है तो मैं उसे बताऊंगा ये कैसे करते हैं। इसे ऐसे करते हैं मैक। क्या तुम्हें पता है कि फेस्टिवल्स चॉकलेट 7 अलग अलग फ्लेवर्स में भी आते हैं? जैसे कि मेरा फेवरेट है आलमंड। रुको जिमी, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूँ। यार बहुत ही मुश्किल है यार, देखेंगे ये कर पाएगा या नहीं। दिखाया, मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है और मैं अभी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ से मुश्किल है यार, ये बॉल के ऊपर जंप लगाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। देखते हैं ये कैसे पार कर पाएगा। कि हमने इन्हें टेस्ट करने के लिए और क्रिएटर्स को भी बुलाया था और कह सकते हैं कि उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। मैं कभी नहीं मर सकता। उसने अभी अभी जो किया उसे भूल जाओ। हाँ मैं भी वही सोच रहा था। अगर तुम पिछले 3 लेवल्स को इन बॉल्स की वजह से बर्बाद नहीं करना चाहते तो फेस्टिवल्स बार को पकड़े रखना। गुड लक। 3, 2, 1 जंप। ओ यार पहले में ही गिर गया यार कसम से। देखते हैं। ठीक है, सेकंड ट्राई। थर्ड ट्राई। फोर्थ ट्राई। यस। नहीं। अब लिटरली मैक घंटों से बार बार नीचे गिरता ही रहा। ओ हाँ, फिर से गिर गया। इसे पार करने में और 4 दिन लगेंगे। और चाहे उसने जितनी भी कोशिश की वो उस तीसरे बॉल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। हम इतनी मुझे लग रहा है इस बार ये जरूर कर पाएगा। सूरज भी लिटरली उगने ही वाला है। तुम इसमें माहिर हो, तुम लेकिन आप भी कर पाएगा। यस यस। उसे लिटरली 3 घंटे लगे उस बॉल तक पहुंचने के लिए। पहुंचने वाला है भाई, चौथा लेवल पार करने वाला है मैक। उस बार को देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है लास्ट पे। और ये जंप उसने कर दिखाया। बटन दबाने के बाद ही बार को छोड़ा। चौथा लेवल इसने पूरा कर लिया यार। भाई यहाँ तक तो पहुंच गए। आगे जो पांचवा टास्क आने वाला है उसके बारे में देखेंगे कितना मुश्किल टास्क है और कैसे कर पाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार कसम से। हम हाथ मिलाते वक्त झूठ नहीं बोल सकते। भाई सच क्या जो हम कर रहे हैं। ये लेवल सबसे मुश्किल था। मजाक कर रहा हूँ, अब तो मैक गया। अगला लेवल इससे भी। मुझे लग रहा है कि पांचवा लेवल देखने से पहले मैक की जान ना निकल जाए, क्योंकि ये टास्क बहुत ही मुश्किल लग रहा है भाई। स्वागत है लेवल 5 में। क्या ये क्या है, क्या चल रहा है? ये लेवल तुम कह सकते हो कि हमने अभी अभी बनाई है। याद है पिछली वीडियोस में बैलेंस करने में तुम्हें दिक्कत हुई थी, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी तुमने बैलेंस बीम करना नहीं चुना था। तुम एक रोलिंग लॉग तक तो भी एक के बाद एक 6 बार गिरे। भाई बंदे ने इसके साथ गेम खेली, उसको पता था ये बैलेंस नहीं कर पाता, तो इस वजह से उसने टास्क ऐसे रख लिया। मानना पड़ेगा यार। बैग्स को उस पार ले जाना होगा और अगर तुम एक बार भी गिरे तो सब कुछ गवा दोगे। और ये चैलेंज करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, जरा इस लेवर को खींचना। यार इसका तो सारा मूड ही चेंज हो गया मुझे तो लग रहा। बस इसे खींचो। हाँ ऐसा मत। हम इस चैलेंज को करेंगे आसमान में 200 फीट ऊपर। ये पहले से ही ठीक था, आसमान में क्यों? जमीन पर होने का एहसास छुट्टियों में खत्म हो रहा है। झूठ नहीं कहूंगा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, ये पागलपन है। कोई भी इंसान इतनी ऊंचाई से तो डरेगा ही। ओह माय गॉड, हम बहुत ऊपर आ गए। तुम ठीक हो मैक? नहीं। क्या हुआ? अफसोस हो रहा है बेचारे को कि मेरे पैसे जो हैं वो जाने वाले हैं। बस गिरना, जो उसको पता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक यही चीज, मैं इसी को वाइप आउट कोर्स में पूरा नहीं कर पाया था। मैं उसे 5 बार नीचे गिरा था।
और अब वैसे यहाँ पर तीन तीन हैं, वो भी आसमान में 200 फीट ऊपर। और अगर मैं गिर जाता हूँ, मुझे तीसरा चांस देने के लिए शुक्रिया। पता नहीं मैंने तुम्हें तीसरा चांस देने के लिए थैंक्स नहीं कहा। तुम बस मुझ पे चिल्ला रहे थे। पर तुम आसमान में लटका देते हो तो समझ नहीं आता क्या। भाई 8 लाख का मसला यहाँ से तो मुश्किल ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम डर की वजह से हिचकिचा रहे हो। हाँ। मैक अब तक हारा है $1.5 million, देखते हैं वो $2.3 million होते हैं या नहीं। जब भी तुम तैयार हो। अक्सर ऐसे हालातों में मैं बस एक ही चीज बार बार कहता हूं। आराम से करो भाई, आराम से हो जाएगा। ये पहला पार कर लिया, अब देखेंगे दूसरा। जब वो चलता है पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगता है। यार बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आने वाला हूँ, ठीक है, संभल कर। और इस चैलेंज का वो आखिरी हिस्सा जो मैंने मैक को बताया नहीं है, एक बार इस कोर्स को क्या लगता है मैक वापस दोबारा जाएगा या नहीं जाएगा? हमारे पास होंगे उन्हें लेकर तुम अगले कोर्स में जाने के लिए आजाद हो, या अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो और पैसे वापस जाना चाहिए। भाई इतना तक पहुंच गए हो। उसने ऐसा सोचा नहीं होगा, ये एक अच्छी डील है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। तुमने अभी तो किया है, तुम पहली बार में 2 बैग्स लेकर आए थे, तो अब क्या हुआ? तुम इन 6 लाख के लिए वापस आने वाले हो या नहीं? मैं काल की बात सुनूंगा। तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो, अगर गिर गए तो मुझ पर। नहीं, मैं काल के कहने पर कर रहा हूँ। भाई मुझे लग रहा है खुशी से मुस्कुरा कर सो जाओगे कसम से। जिस हिसाब से आप कर रहे हो टास्क पूरे, उस हिसाब से आगे वाला टास्क आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इतना है कि मैं आज रात को या तो खुशी से मुस्कुरा के सोने वाला हूँ या 3 रात नहीं सोऊंगा। चलो चले। बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क आने वाले हैं आगे। मैं सबसे लास्ट टास्क देखना चाहता हूँ, कितना मुश्किल होगा वो, और क्या मतलब इस मैक का क्या रिएक्शन होगा जब ये टास्क जीत लेगा अपने सारे और $8 लाख अपने साथ लेके जाएगा। हम इसके डायल को घुमाकर इसकी फ्लेवर इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसे 3 पर सेट करते हैं तो थोड़ा सा ही फ्लेवर आएगा। पर कॉल उसे 9 पर सेट करो। ये मतलब ये तरकीब इसकी अच्छी है, ऐसे आसानी से ज्यादा पानी पी सकते हैं। मेरे पास एक आईडिया है। कॉल अगर आप सर्कल ट्राई करना चाहते हैं तो बस अपने लोकल वॉलमार्ट में चले जाइए, क्योंकि मैंने सर्कल को मना कर लिमिटेड टाइम के लिए बड़ा प्राइस ड्रॉप करवाया है। कॉल मैं फिर से फेंकने वाला हूँ, तैयार हो? आराम से। विश्वास नहीं होता कि वो उन्हें सैकड़ों फीट ऊपर से फेंक रहा है। वो जब भी बैग फेंकता है उसे $1 लाख मिलते हैं। क्या लगता है आपको मैक वापस जाएगा? मुझे लग रहा है ये वापस ही आएगा। बस वही खड़े रहोगे और आगे भाई मुझे कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको ऐसा टास्क मिला जाए आप क्या कर पाओगे ऐसा टास्क। किम बढ़ने वाला है। तुम काल के पास भी जा सकते हो और सिर्फ 6 लाख के लिए कम्पीट कर सकते हो, या फिर एक बार फिर से ये बचे हुए $2 लाख लेने के लिए वापस पहुंच गया। डूड तुम कर सकते हो, बहुत खूब। ये हुई ना, बस वो कहते हैं ना कि हिम्मत होनी चाहिए बंदे में तो बंदा खुद ब खुद कामयाब हो जाता है। बस मैक में वही हिम्मत है जो अभी तक ये पूरे टास्क करता आ रहा है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है इसके साथ और कैसे कैसे मुश्किल टास्क आते हैं इसके पास। वापस आ गया। चलो उन पैसों को लेकर आओ। ठीक है चलो इन्हें ले चलते हैं। बिल्कुल मत डरना। गुड लक। और ये वो गया, वो गया। तो थोड़ा रुको ब्रो, तुम ठीक हो? ये अब तुम्हारे लिए आदत है। यस। तुम इसके लिए तैयार हो? ओ हाँ। चलो इन्हें उछालते हैं। हाँ हाँ डूड, पैरों को संभाल कर, गिराना मत। ठीक है ओके। मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूँ, ठीक है? ओके, सारे पैसे वहाँ पहुँच चुके हैं, अब बस उसे बिना गिरे उसे क्रॉस करना होगा। 3, 2, 1। ये रहा भाई मैक ने टास्क अपना कर दिखाया। यार मानना पड़ेगा मैक लास्ट टास्क बचा है, 5वां टास्क किसका पूरा हो गया। देखते हैं आप ये 6ठा टास्क कितना खतरनाक और कितना मतलब फनी भी है और दिलचस्प भी है। अभी सेलिब्रेट मत करो, आखिरी चैलेंज में तुम हमेशा। लास्ट टास्क बचा है मैक, देखते हैं। ओ ये आ पाएगा मजा, देखते हैं लास्ट टास्क कितना खतरनाक है। भाई हवा में जा रहे हैं ये, कि हम फिर से एक बार हो। मुझे लगता है मैक को ना ऊंचाई से डर लगता है, जिसकी वजह से बार बार इसको ना मतलब ऊंचाई वाले ही टास्क दिए जा रहे हैं। अब अपनी पट्टी उतारो और देखो तुम्हारा फाइनल। ओ यार ये बहुत ही मुश्किल है कसम से, बहुत ही मुश्किल है ये। अब तक का इस पूरे के पूरे
वीडियो का सबसे मुश्किलों से भरा ऑब्स्टिकल कोर्स। यार ये तो सच में पागल यार, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, छटरा से नहीं हो पाएगा यार। अगर तुम इसे देखकर डर रहे हो तो क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं बल्कि बाकी वीडियोस में भी, जिसमें थे स्पाइडर्स, डूबना, बोल्डर्स, लेजर्स और हाँ कुकीज भी। और हाँ एक और चीज, जरा यहाँ पर देखो, तुम नहीं जानते मैं क्या लगता है दोनों में से क्या चॉइस होनी चाहिए। पहले भी मैं एक बार हार चुका है इस अम्ब्रेला कुकीज की वजह से। तो मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, अगर तुम इस अम्ब्रेला कुकी को सेफली निकाल लेते हो तो 800,000 जीत जाओगे, या फिर फिजिक्स को मात देने वाले इस पहाड़ जैसे ऑब्स्टिकल कोर्स को पूरा करके दिखाओ, और वो पूरा करने के बाद 800,000 तुम्हारे। यार क्या लगता है आपको, मैं को कौन सा टास्क लेना चाहिए? तुम्हारी कुकी मैं उससे नहीं लेने वाला, मुझे लग रहा है कुकीज तो ये चॉइस में नहीं लेगा। मैंने इस कुकी के बारे में बहुत भयानक सपने देखे भाई, उसे भयानक ही थी कुकीज। तुमने इतनी अजीब तरह से वो क्यों कहा? क्योंकि ये दुख भरी बात है, मतलब तुम इसकी वजह से ही 1.5 मिलियन डॉलर्स हारे थे। यार बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत ही मजेदार वाला टास्क आने वाला है, कसम से मजा आ जाएगा ये टास्क जब ये पूरा करेगा। ओ इसने उसे फेंक दिया, अब मुझे पता चल गया है। ठीक है अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। हमारे हर एक वीडियो में बनाया गया हर एक चैलेंज इस पल पर आकर ही खत्म होता है, ठीक अभी। ये इसकी पिछली कहानी दोहरा रहे हैं कि जब इसने मतलब पिछला मैं मतलब एक कुकीज की वजह से जब ये हार गया था, ये पिछला मतलब इसका एक बहुत ही मजेदार है। मैं लगे रहो, चलो करते हैं। शुरू करने के लिए यहाँ है ये दो ट्रैपीज बार्स और फिर एक येलो प्लेटफॉर्म, ये या तो पूरा करके जंप होगा या तुम्हारे नीचे गिरने के बाद, ये कमाल का होने वाला है। यहाँ पहुंच गया ठीक है, ये वो चला। यार आगे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, ये वाला ये मुश्किल लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है यहाँ से। बस नीचे मत देखना क्योंकि सारा मतलब इसमें वेट जो ना बाजू पे जाएगा। मेरे कहते ही उसने नीचे देख लिया। बंदे में हिम्मत है यार, कसम से बंदे में हिम्मत है, देख लो भाई। ये मैं चला। लेकिन यहाँ पे 800,000 का मसला भी है ना, $800,000 अपने घर लेके जाएगा ये अगर ये टास्क पूरे कर लेगा। तुम्हारे मॉम डैड को भी लेकर आया हूँ, वो तुम्हें नीचे से देख रहे हैं। कम ऑन मैक तुम ये कर सकते हो। ओह माय गॉड भाई ने कर दिखाया यार, कितना मुश्किल है कसम से। मुझे कमेंट में जरूर बताइए अगर आप इसकी जगह होते हैं क्या आप ये टास्क पूरा कर पाते, किसमें इतनी हिम्मत है ये टास्क पूरा कर पाते। ऑब्स्टिकल को मैं कहता हूं द वॉल ऑफ डेथ, अच्छा नाम रखा है यार, बहुत ही मुश्किल है कसम से। अरे यार इसे हमने प्लानिंग से बनाया है, वो ऊपर या नीचे से जा सकता है या फिर सीधे वहां पर जा सकता है। आराम से ब्रो। और अगर आप भूल गए हो जरा कैमरा नीचे करो, हम अब भी 200 फीट हवा। यार कसम से मजा आ गया कसम से, ये पागलपन है। ओ अपना हाथ मत हटाओ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? लास्ट टास्क का ये लास्ट, पसीना आ रहा है। अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है ये देखेंगे कि इससे आगे क्या है। अभी कम से आधा ही हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ अभी। गॉड ये हैंडल्स बहुत ही छोटे हैं। बस पहुंच ही गए। यस मॉम आप ठीक हैं? बच गया भाई। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम लगभग आधा कोर्स पार कर चुके हो और बची हुई। कसम से मजेदार है कसम से, सच में बहुत मजा आ रहा है। ये टास्क बहुत ही खतरनाक है, अगर मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा और कैसी लगी आपको ये वीडियो, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये अगर टास्क आपको दिया जाए कि आप ये टास्क पूरा कर पाओगे या नहीं। $800,000 के लिए अगर ऐसा टास्क आपको दिया जाए क्या आप पूरा कर पाओगे, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और मैं देख रहा हूँ तुमने बैलेंस बीम को भी लाया है, अगर ये इसे लगते हैं तो मुमकिन है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या लगता है क्या कर रहा हूँ? सर संभालो। ओह माय गॉश ये बहुत ही डरावना होने वाला है। वाओ अब तुम लेवल 6 के फाइनल पार्ट में हो। अब सुनो, मुझे पता है तुमने कुकी चैलेंज करने से मना कर दिया था, पर फिर भी इन कुकीज के साथ तुम्हारी हिस्ट्री को नजर में रखते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया, तो मैं उन्हें एक आखिरी बार वापस ले आया। तुमने पहले ही वापस लाए थे ना, दूसरी बार क्यों ले आए? कोई जरूरत नहीं, पता था तुम उनके लिए ना ही कहोगे। कोई भी समझदार उन्हें ना ही कहेगा, वहाँ कैसे जाना होगा? बस कूद जाओ। वहाँ और कैसे जा सकते हैं, और हर एक जंप के बाद वो और ज्यादा
दूर होती जाएगी। इसे और मुश्किल करने के लिए मैंने पक्का किया कि हर एक जंप के बाद वो बाकी कुकीज और छोटी होती जाएंगी और उनके बीच में होगी सिर्फ ये ट्रैपीज बार और पूरे 200 फीट की एक लंबी ऊंचाई। तुम कर सकते हो मैं, तुम कर सकते हो। चार जंप्स, देखते हैं मैं अमीर बनता है या नहीं। 3, 2, 1 ये तो वहीं पर खत्म होने वाला था। ये बहुत डरावना था। एक गया, अब और 3 बाकी हैं। और मैक सबसे बड़ी कुकी पर ही हारने वाला था। याद रखना, हर जंप के साथ वो कुकीज छोटी होती जाएंगी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने हर जंप के साथ वो कुकीज छोटी होती जाएंगी। इसे वो पल मत होने देना जहाँ तुम इतिहास दोहराते हो, क्योंकि वो तुम्हारा आखिरी फॉल होगा। आप देख सकते हैं कि ये बार मैक की पहुंच से बहुत दूर है, तो उसे कूदना ही होगा। और अगर वो उसे पकड़ नहीं पाता तो गेम ओवर और तुम्हें खाली हाथ घर जाना होगा, जो कि शर्म की बात होगी। ओके, वो 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 ज्यादा ही झूल रहा है। ज्यादा देर तक मत झूलो मैक, तुम्हें अम्ब्रेला के लिए अपनी स्ट्रेंथ बचानी होगी। वो, वो, यस, मैक, यस। बस थोड़ा और। उस स्टार में बनी दरार तुम्हें कुछ याद दिला रही है? तुम अभी गेम के आखिर में हो मैक। इन 2 कुकीज ने तुम्हें उतना ही तोड़ा है जितना कि तुमने उन्हें तोड़ा था। यहाँ पर हार गए तो अंधेरे से बाहर आने का मौका तुम गवा दोगे। गुड लक। हमेशा के लिए गुड लक। ओह, पकड़ लिया। ओह, ठीक है, हम फाइनल जंप पर हैं, जो कि पिछली जंप से दुगनी दूरी पर है, जो कि मैक की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो अम्ब्रेला। करो या मरो, या तो वो 800,000 जीतेगा या कहानी यही खत्म। और इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, घर पर बैठा हर कोई तुम्हारे साथ है। 3, 2, 1 लगता है वो कूदने वाला है। वो कूद गया। माय गॉड, वो स्टेज से बहुत ही दूर है। मैं ये नहीं देख सकता। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें बता दूं, बस 60 सेकंड ही बचे हैं। रुको, अभी क्या हुआ? ओ नहीं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूं। मैं कितना बेवकूफ हूं। बहुत ही तगड़ा टास्क था कसम से। और ये फाइनली इसने जंप किया और जीत गया भाई। इसने आज जीते हैं $8,00,000। इसको बहुत ही मजा आया कसम से वीडियो देखकर। और मुझे लग रहा है कि भाई बंदे का बन रहा था इसका $8,00,000, कसम से बन रहा था, क्योंकि इसने बहुत ही मुश्किल मतलब टास्क पूरे किए। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी ब्रो, एंजॉय करो और $8,00,000 लेके। और इसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुशी मना रही है, बहुत ही ज्यादा। पहली बार अपने जीते हुए पैसों को उठा रहा है। तुम ये $8,00,000 कहाँ खर्च करने वाले हो? मेरे ऐसे 3 दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त, उनके पास पैसे नहीं है। मैं ख्याल रखूंगा कि उन्हें पैसों की फिक्र ना करनी पड़े। अब मेरी जिंदगी बदल गई है। कांग्रेट्स दोस्त, तुम ये डिजर्व करते हो।